तो बस काम नहीं हुआ, इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं आए, इसको निग्लेक्ट किया गया और ये बहुत ही तबाही तबाहकुन हालत में था। मैं खुद जिला बस्ती में रहता हूँ, तो मैंने चंद माह पहले देखा कि अगर इसी तरह गाड़ी चलती रही तो ये तो जिला रहने के काबिल ही नहीं रहेगा। और हर जगह प्रॉब्लम, पानी, सीवरेज, वाटर बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइम, सिन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सब पे माफिया का कंट्रोल था। जितने 260 पार्क थे उसमें भी माफिया का कब्जा था। तो ये देखते हुए मैंने कुछ ज्यादा सोशल वर्क, लेस पॉलिटिकल कहा कि जिले में जो आवाम रह रहे हैं और जो खास तौर पे वो एक नारे के साथ चल रहे हैं, तो हमें अपना तहफ्फुज़ करना चाहिए। और ये सोशल वर्क शुरू किया और सर माइक आगे कर ले थोड़ा सा। जी सर, थैंक यू सर। तो ये काम शुरू किया, दोस्तों से, हुकूमत से बातचीत की और अल्लाह के फजल से कोई 6 महीने में हमने कोई डिटेल्स आपको हमने पहुंचा दी है। 15 अरब के कोई डेवलपमेंट स्कीम्स हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये भी है कि और स्कीम्स आएंगे। सब डिटेल्स आपके सामने है, एक आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दे दी है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों में बात नहीं करना चाहता क्योंकि एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट और ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। तो मैं बहुत ही मुख्तसर रहूंगा, कोई लिपड़ी छुपड़ी सियासी बातें नहीं करनी, लेकिन सिर्फ जो है और एक और बड़ी खुशखबरी है, जिला बस्ती वालों से आज कैबिनेट से पास हो गया है कि जितनी कच्ची आबादियां हैं जिला बस्ती में, जो कि स्लम्स बन चुकी थी, जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं था, वो टैक्स भी नहीं देते थे, उनकी बिजली भी फ्री, उनका पानी भी फ्री, हर चीज फ्री, और जो कि जो टैक्स देने वाले हैं वो उन अनटैक्स लोगों का भी बर्डन उठा रहे थे फाइनेंशियल एंड यूटिलिटी वाइज। तो आज कैबिनेट ने पास कर दिया है कि जितने जिला बस्ती के अंदर जितने भी कच्ची आबादियां हैं वो काउंसिल को हैंडओवर कर दी गई है ताकि वो उसको टैक्स कर सके। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कि वो अपनी कच्ची आबादियों को भी किसी सिस्टम में ले आए, उधर जो रोड हैं वो भी देखें, उधर जो क्राइम है उसको भी देखें, उसके अंदर जो अनकंट्रोल्ड और ग्रोथ हो रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, वो सब को एक कानून के तहत सब अब चलेंगी। और इंशाल्लाह इसका आज कैबिनेट ने पास कर दिया है, अगले हफ्ते 10 दिन के इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो जिला बस्ती में फिर अब कोई कच्ची आबादी बढ़ेगी नहीं, कोई उसके अंदर गलत काम नहीं होगा एंड दे विल ऑल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द टाउन। जिस टाउन के अंदर है वो कच्ची आबादी उसी टाउन के साथ अटैच रहेगी ताकि उस मामलों को देख सकें जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनको प्लॉट भी दिए जाएंगे। देर इज लैंड अवेलेबल इन कराची, वरना उनको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिलेगी। नहीं, हटाने की बात नहीं हो रही, हटाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही। इसका कंट्रोल कच्ची आबादी इसके पास था, अब वो कच्ची आबादी जिसको चाहे कंट्रोल दे दे, तो वो कच्ची आबादी ने अपने पास कंट्रोल रखा होता, वहाँ नक्शे भी बता देते जहाँ किसी जमीन है उसको उन्होंने अलॉट कर दी। अब वो कच्ची आबादी से उनका कंट्रोल खत्म होके जो रिस्पेक्टिव टाउन है उसमें कंट्रोल आ जाएगा। देखें, ये जो प्रोजेक्ट हैं ये डिफरेंट इदारों के, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इदारे नहीं है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है। जो केएमसी के हैं वो केएमसी कर रही है, जो केडीए के वो केडीए कर रही है, जो डैम का है वो वर्ल्ड बैंक कर रही है,
क्लिक है, वो भी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वो क्लिक वाले खुद कर रहे हैं, तो ये पैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पास नहीं आ रहे, ये एग्जीक्यूटिव के पास है। जैसे कि आपको पता है जब बजट बनता है सालाना किसी हुकूमत का, तो उस बजट के अंदर आपने खास खास प्रोजेक्ट, तो हमारा काम ये है कि हम लॉबिंग करके जो जिला बस्ती के प्रोजेक्ट हैं, फर्ज करें के एम सी कहती है कि मेरे पास 1 अरब रुपए, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं उस 1 अरब को पॉपुलेशन के बेसिस पे जो पहले नहीं मिलता था, अगर 7 जिले हैं और हमारा पॉपुलेशन के बेसिस पे 25 करोड़ रुपए बनते हैं, तो हमें अपने 25 करोड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए चाहिए। देखें जहाँ तक मेरी हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के पैसे थे और डिस्ट्रिक्ट्स में भी लग रहे हैं, पूरे सिंध में लग रहे हैं, तो हमने तो अपना हिस्सा डिमांड किया है। वी आर टू, मैंने पहले ही कहा था कि इट इज मोर ऑफ अ सोशल वर्क रादर देन अ पॉलिटिकल वर्क, तो बाकी जो जमात आए इलेक्शन जीते दे मोर देन वेलकम, देन दे कैन टेक ओवर दीज प्रोजेक्ट। उसके बाद हम एक सिर्फ क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं, जो पिछले जो भी लोग थे या जो भी जमातें थी, भले पीपल्स पार्टी थी, कि जो जिला सेंट्रल के साथ हक तलफी हो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये ले सकते थे जो कि नहीं लिया गया। इसमें मैंने कहा ना प्रोपोर्शन होता है, हमने वर्किंग की कि पॉपुलेशन के बेसिस में हमारा क्या हक बनता है, और वो हमने इनसे डिमांड करके इनसे हमने लिया है। दैट आई थिंक इंडिविजुअली हमारा राइट है, ये जरूरी नहीं है कि हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक हो। सो ये गॉट इट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, और इसके अंदर कोई हम किसी जमात के खिलाफ नहीं है, जरूर आए काम करें, सब हमारे भाई हैं दोस्त हैं, वी हैव नथिंग अगेंस्ट एनी बडी। बहुत आबादियां जो नाजायज आबादियां हैं, जो जहां से क्राइम आ रहा है, जहां पे सिस्टम नहीं है, जो नालों में बने हुए, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा कौन सा ऑर्डर है, मैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है उधर, अब सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 10-12 ऑर्डर हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, दे आर जस्ट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। थैंक यू। मेरा मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन वो एक फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और उसको FWO एग्जीक्यूट कर रही है, और मेरे हिसाब से लोगों को पैसे मिल चुके हैं, और अगर कहीं रुके हुए हैं, अगर किसी का है तो आप बताएं, तो उसके हम मदद कर सकते हैं, श्योरली वील हेल्प हिम, हमारे इलाके के लोग हैं। और बाकी हमारा कल जलसा है, उसमें हम और सी चीज़ें बताएंगे, और वी वॉन्ट टू कीप इट। फतेह पार्क की बात है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यार प्लीज आप बात नहीं करें, आप डोंट मेक इट पॉलिटिकल, एज आई सेड कि मेडिकल स्टूडेंट्स उधर कोई नहीं जाते, इट्स अ जनरल पार्क, इट्स ओपन फॉर द पब्लिक, सबको पता है, उसके ऊपर पैसे लोग फीस लगती थी, अब उस पर फीस भी नहीं लगती। नहीं, आपको गलत फहमी है, आपको गलत फहमी है, आप इधर से 10 लोग ले जाके अभी देख प्लीज।